यास्मीन हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं कॉलर जी। बताएं यास्मीन, कैसी हैं आप, क्या परेशानी है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल परेशानी मुझे ये है कि मुझे थोड़ा काफी वीकनेस रहती है। लास्ट ईयर मेरी बैक में थोड़ी चोट लग गई थी, उसके बाद से अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज अभी करती हूँ तो मुझे थकान महसूस होने लगती है। और इसके अलावा मेरी दो प्रॉब्लम्स और भी हैं वीकनेस के अलावा, कि मेरे फेस पर थोड़ी पर बाल निकलते हैं, तो वो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है या मतलब वैसे भी मेरी ओवरऑल बॉडी पर भी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो मैं उसके लिए भी कुछ चाहती हूँ कि जिससे वो रिड्यूस हो जाए या कम हो जाए या हल्के हो जाए जी। उस मैनर में। अपनी एज बताएं यास्मीन, उम्र क्या है? एज है 25 जी। अच्छा बच्चा, देखो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ और वो आप बना लीजिए। जैसे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे कि मैंने किसी बच्ची को बताया था, धनिया, आंवला, मेथी और मोरिंगा का गौन। अच्छा, मोरिंगा का गौन अक्सर नकली मिलता है और महंगा मिलता है, सस्ता मिल जाता है तो वो नकली होता है, तो वो आप ज़रा देख के लेना। आंवला, मेथी और धनिया, धनिया जो आपके किचन में धनिया दाना, आंवला भी सूखा मिलता है और मोरिंगा का गौन मौतबल जगह से लें। ये जायके में खारे पानी जैसा होता है। मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम और 150 ग्राम मोरिंगा का गौन, इसको पाउडर बना लें और एक चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुख खाया करें। आपकी जुमला शिकायतें जो बाल निकलते हैं चेहरे पर या शबाब कम है, बहुत ज़्यादा चेहरा अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत सारे बाल निकलते हैं, ये आपके जो हार्मोन्स हैं उनको ज़रूरत के मुताबिक कर देगा तो आप पुरकशिश और पुरशबाब लगने लगेंगे। ये कोशिश करिए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। परवीन साहिबा यूपी से। जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं परवीन क्या परेशानी है आपको? हमारे बेटे को, हमें दोनों लोगों को गठिया है जिसकी आप काफी काट ली है, तो हमारे तो ऐसी है कि नॉर्मली हम रात में जब लेटते हैं तो सुबह पैर की एक जो दाहिना साइड है वो जो है क्या कहते हैं चलने में बहुत तकलीफ करता है, फिर थोड़ा थोड़ा चलते हैं वो सही हो जाता है। लेकिन हमारे बेटे में जो आई वो गठिया, तो अभी उसकी 15 साल है। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ। उसकी 15 साल है और 5-6 साल से तकलीफ थी एक साइड उसके भी पैर में, लेकिन हम लोग इतना ट्रीटमेंट कराते रहे जान नहीं पाए। फिर मेडिकल कॉलेज में जो अभी गठिया विभाग में गए तो उसको ये बता दिया कि गठिया है, थोड़ा सा इलाज तो वहाँ का चल रहा है। अब आप उतना कुछ घरेलू नुस्खा बता दीजिए हमें ताकि उसके साथ थोड़ा कर लें और फिर जैसा होगा फिर आगे देखते हैं। ठीक परवीन जी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए आप दोनों लोग ठीक हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन आप समझ लें इलाज कैसे करना है। जो दवा लेते हैं वो चाहे तो लें चाहे ना लें, वैसे लेते रहें कुछ दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यूनानी में है और सब्र वालों के लिए है। गठिया में देखिए अश्वगंधा, जिसे अश्वगंध भी कहते हैं हम, अश्वगंधा बहुत मशहूर दवा है, अश्वगंधा और छोटी हड़, अश्वगंधा, अलसी और गौन स्याह। फिर मैं बताना चाहूँगा गौन स्याह जो है वो बहुत महंगा आता है और बहुत नकली मिलता है, उसकी पहचान यह है कि बहुत कड़वा होता है, खाने में बहुत कड़वा होता है। इन सब को आप हम वजन लें, यानी 100 ग्राम गौन स्याह यानी काला गौन, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम छोटी हड़, 100 ग्राम अलसी, इन सब को 100-100 ग्राम लें और इसको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम आप भी
और आपके फर्जंद भी अगर खाएं लगातार एक से ज़्यादा महीने तक, तो हर वो आदमी जिसका को गठिया है या जोड़ों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है जी, ऐसे लोग ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसे कि सर्दी आ रही है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं गठिया बाई के, जो जोड़ों के दर्द के जो पेशेंट होते हैं, उनको परेशानी ज़्यादा होती है, तो क्या आप कोई दवा इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी जानिब से, जिससे 3-4 महीने में ये लोग ठीक हो जाएं? देखिए, हमारा काम ही सबसे ज़्यादा, हमारा जो काम हुआ है हमारी कंपनी का, तो वो जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्कुन्नसा यानी साइटिका और स्लिप डिस्क पर है, और हमारी मोनोपोली है, हमारा कब्जा है इन इमराज पर, और इसके लिए हमारी कंपनी की भी अद्वियात आती है। आप चाहें तो फ़ोन कर लें और अपनी पूरी कैफियत बताकर और दवा भी ले सकते हैं। वैसे हमारी कंपनी की इसमें एक ख़ास दवा है जो जिसमें बेशतर लोग को फ़ायदा हो जाता है, मर्ज की कैफियत देखकर, और एक महीने में इतना फ़ायदा होता है बस कि आपको ये हो जाए कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा शुरू हो गया। मर्ज की शिद्दत एक महीने में बेशतर लोगों की चली जाती है। जो लोग ऑपरेट होने वाले होते हैं वो भी इसको कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग ऑपरेशन से ही बच चुके हैं, वरना उनका ऑपरेशन होता और ऑपरेशन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, फिर भी यही दवा खानी पड़ती है जी। तो आप फैसला करें और ये दवा शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। यास्मीन महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। जी यास्मीन, कैसी हैं आप, बताएं आपको क्या दिक्कत? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाले सलाम यास्मीन, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सवाल तो मैं आपसे बाद में करूंगी हकीम साहब, लेकिन मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप नुस्खे बताते वो नुस्खे मैं दूसरे को, मतलब जो आपने कर दी है या जो कोई पूछता है उनसे मैं बता देती हूँ, और उनका फीडबैक आता है क्या उन्हें बहुत फायदा हुआ है उस नुस्खे से, जैसे कि थायराइड हुआ और शुगर हुआ या फिर वजन कम करना, वजन के बारे में तो बहुत सारे फीडबैक आ गए, और वो लोग मुझे फोन करके मुझे शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी यास्मीन, बहुत शुक्रिया। देखिए आप मेरी मुहिम में शामिल हैं, दरअसल मेरी मुहिम है कि आप ख्वातीन मेरे साथ जुड़ें और मैं इतना काम कर सकूं कि हर घर में यूनानी पहुंचा सकूं हिंदुस्तान के, और आप जैसे लोग लाखों की तादाद में मेरे साथ हैं, मुझे बड़ा बड़ी खुशी होती है कि आप मुझसे ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ और चैनल पे आकर सब कह देता हूँ, आप लोग उसे सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, और फिर उसमें मेरी पजीराई भी है और मुझे कहीं ना कहीं अजर भी होता होगा, पुण्य भी होता होगा, सवाब भी होता होगा, और कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है कि इसी अमल की वजह से मेरी और आपकी मगफरत भी हो जाए। इम्तियाज़ अहमद वादी से कॉलर है हमारे साथ। जी इम्तियाज़ जी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, और मैं मेरा हकीम साहब से सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरे दो मसले हैं। जी जी। एक पहला ये है कि मैं स्टोमक की दवाई कई सालों से लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो अब मैंने किसी टाइम बहुत टाइम ये कोशिश की थी कि इसको इससे छुटकारा पाया जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन या दो दिन जब मैं इस सुबह की दवाई को छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे स्टोमक में ना वो स्वेलिंग आ जाती है, और मैं मजबूरन हो के फिर उस दवाई को फिर मुझे वो सुबह वाली जो स्टोमक की दवाई उसको लेना पड़ता है, पेट की दवाई। हाँ पेट की वही वो। ठीक है, तो ये मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, क्योंकि एक मैं आदि बन गया हूँ इस दवाई, एक तो मेरा ये इशू है कि मैं इसे बिल्कुल छुटकारा पा चाहता हूँ, तो कुछ ऐसी दवाई मुझे आप बता दीजिए। दूसरा मेरा अर्ज ये है कि कई सालों से मेरी जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन 1.4, 1.5 ऐसे बीच में थोड़ा कम हो जाते, बट नॉर्मली ये इसी रेंज में मेरा रहता है, और मैं जितना पानी पीता हूँ
मैं बहुत पानी पीता हूँ, सुबह निहार में निहारी में चार गिलास में पीता हूँ, उसके बाद फिर दिन में भी दो चार पांच गिलास हो जाते हैं मेरे, लेकिन उसके अगेंस्ट उतना यूरिन मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक, और देखिए क्यों ना मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूं कि आपको ये तीनों चीज़ें, यानी आपकी जो किडनी की आलूदगी है, गुर्दों की गंदगी जो आपकी बढ़ी हुई है, ये कभी नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि आप जो 1 पॉइंट होना चाहिए 1.4 और कितना कितना होता है आपका, अभी तो इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकता है। किडनी की बिल्कुल, किडनी को बिल्कुल मांझ के ये अच्छा कर दे, खून की सफाई कर दे, और आपके स्टोमक पेट के निज़ाम को भी दुरुस्त कर दे। तो जैतून का सिरका आप रात को 4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच जो टीस्पून कहलाते हैं, एक गिलास पानी में डालकर पिया करें। दिन में 2 मरतबा आप ये काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने इस महीने अगर ली ये दवाई, तो अगले महीने तक आपकी जो क्रिएटिनिन है वो ज़रूरत के मुताबिक रहेगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो भी कंट्रोल होती है, जिनको पेट की परेशानी समस्या होती है कि उनको ऐसी अद्वियात रोज़ खानी पड़ती हैं जो आगे जाके नुकसानदेह हो सकती हैं, कब्ज से मुतालिक, गैस से मुतालिक या पेट फूलने से मुतालिक, ये भी छूट जाती है। आप 2 महीने तकरीबन लें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चेन्नई से फरीदा बानो मेरे साथ मौजूद हैं, हकीम साहब से बात करना चाहती हैं, उनसे बात करते हैं। जी फरीदा जी बताएं, कैसे हैं आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा गर्दन में और कंधे में बहुत दर्द है, 1 साल से डॉक्टर का इलाज कर रही हूँ, हाँ कुछ भी फायदा हुआ नहीं है, कुछ घरेलू उपाय बताइए। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आपके इलाज में दवा से ज़्यादा एक्सरसाइज है। एक तो ये करें कि आप बिल्कुल सीधी बेड पर लेट जाएं, बिल्कुल सीधी, और जिस तरफ सर करते हैं उस तरफ पैर कर लीजिए, और जिस तरफ पैर होते हैं उस तरफ सर कर लीजिए, और आपकी ये गर्दन का हिस्सा जो है ऐसे लटका रहना चाहिए बेड से नीचे, और आप सीधी लेटी रहें। ऐसे लेट के थोड़ा गर्दन नीचे हो जाएगी तो आप को बड़ा सुकून मिलेगा। मैं भी लेटता हूँ और मैं भी इस मर्ज में कभी मुब्तला रहा हूँ, इतना सुकून मिलता है, आदमी 5-7 मिनट आराम से लेट जाता है। बिल्कुल सीधे लेटे रहिए और गर्दन नीचे डाल लीजिए बेड से नीचे, बाकी हिस्सा ऊपर, सीधे लेटिए। ये एक एक्सरसाइज करेंगे आप रोज़ाना 1-2 बार। अच्छा 5-5 मिनट भी लेटेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा, दिमाग में खून जाता है इससे। ये एक एक्सरसाइज है, तो ये तो आप शुरू कर दें, दिन में 2-4 बार भी कर सकते हैं और आधा फायदा आपको इससे होगा, और आधा फायदा होगा। आप लीजिए गौंदसिया, गौंदसिया काला गौंद होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा महंगा मिलता है और बड़ा नकली मिलता है, ये जायके में कड़वा होता है, और गौंद सारे छोटे छोटे होते हैं आपने देखे होंगे, लेकिन ये गौंद बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा, जायके में इंतहाई कड़वा, इससे कड़वी तो मैंने कोई दवा ही नहीं देखी। और आप क्या नाम है, एक गौंदसिया ले लीजिए, 1 या 2 चुटकी सुबह, 1 या 2 चुटकी शाम, पानी के साथ, जूस के साथ या बग़ैर चर्बी के दूध के साथ, महीना 2 महीना खाएं, आपकी रग रग, आपका पट्टा पट्टा, आपका जोड़ जोड़ इंशाल्लाह पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा मेरा तजर्बा है। गौंदसिया के बारे में आप बता रहे हैं, बहुत महंगा मिलता है और सबसे ज़्यादा नकली मिलता है, कहाँ से ले ये मालूम नहीं होता, तो क्या आप हमारे नाज़रीन को ये मुहैया करा सकते हैं अगर कोई आपसे लेना चाहे तो? हाँ, यही परेशानी दरअसल शबनम हमारे साथ थी कि हमें भी लोग नकली देना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पहचान है। अब मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो मेरे जो फॉलोअर हैं वो दौड़ते हैं लेने के लिए, तो मुझे ये ज़रूर कहना पड़ता है कि ऐसा होता है, मेरी वजह से कोई किसी को तकलीफ़ दे दे तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए बार बार ये बताता हूँ।
तो हम भी दे तो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दे सकते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं। हमने तो इसकी, इससे बचने के लिए इसका पूरा खेत पूरा लगा लिया, इसका पेड़ बो दिए, इसका बाग लगा लिया। जो भी अद्वियात हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, दवाएं, जी तो उसको हम किसी पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम पर लोग भरोसा करते हैं, हमारी बात पर भरोसा करते हैं। तो हम उसका पूरा खेत लगा लेते हैं। जी अच्छा, एक खेत लगाते हैं तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि एक और लगाना पड़ता है। अब उससे जो गोंद आता है, फिर इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि एक और खेत लगाना पड़ता है। जी तो हमारे तो अद्वियात के खेत हैं, तो हमारे यहाँ से मिल तो जाएगा, तकलीफ़ से मिलेगा, इंतज़ार से मिलेगा, लेकिन असली मिलेगा। और लेकिन तकलीफ़ ये है कि आपको जल्दी चाहिए, तो आपको चाहिए या तो सब्र करें या नकली लें। और ये गोंद ऐसा है जो जिसके बगैर कोई भी यूनानी दर्द की दवा बनना नामुमकिन है।